की मांग की है। हिमाचल प्रदेश में जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं। बीती शाम ये बंजार की तीर्थन घाटी की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भारी भरकम लैंडस्लाइड हुआ है, जिससे तीर्थन घाटी की 10 पंचायतों में आवाजाही बंद हो गई है। रास्ते पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। खुंदन से बठाहड़ सड़क पर पहाड़ी गिरने से यातायात बंद हो गया है। कई पंचायतें इससे प्रभावित हुई हैं और लोग अब प्रशासन से सड़क बहाली की मांग कर रहे हैं। वहीं कुल्लू मंडी के दोनों संपर्क मार्ग 3 दिन से बंद पड़े हैं। ऐसे में एसेंशियल सर्विसेज बंद होने से कई वस्तुओं की किल्लत हो गई है। दूध, दही, ब्रेड, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, सीमेंट, सरिया की किल्लत होने से लोग परेशान हैं। बजौरा में 3 दिन से सेब और सब्जियों से लदे सैकड़ों मालवाहक वाहन फंसे हुए हैं। वहीं कई मालवाहक वाहनों में सब्जियां सड़ने लगी हैं। सैकड़ों वाहन चालक सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि दो मार्ग हैं जहां मंडी से कुल्लू जाया जा सकता है और दोनों ही मार्ग ठप पड़े हुए हैं। लंबी लंबी कतारें वहां पर गाड़ियों की लगी और इस वजह से जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो प्रभावित हो रही हैं। मालवाहक लंबे दिनों से वहां पर फंसे हुए हैं। सब्जियां उन ट्रकों में सड़ रही हैं। सेब का सीजन है, ऐसे में भारी भरकम मात्रा में सेबों की जो खेप है उसे मैदानी इलाकों में पहुंचाया जाता है, वो वहां पर अटकी हुई है, जिस वजह से सेब और सब्जियां अब ट्रकों में ही सड़ने लगी हैं।